तो जल्दी आपके बीच एक नया बाइक रहेगा। और जो बाइक है उसका सीसी भी हाई है, प्राइस भी हाई है, और जब मैं लूँगा तो बहुत लोग उसको ये भी कहेंगे कितने में कार आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे। जहाँ पे जाना था वो जा चुका है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसे जगह पे जा चुका है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ पे रखे हैं, वहाँ से मैं हटा दूंगा। अगर हमारी फैमिली देख रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये मत कहिएगा कि लाके बाइक खड़ा कर दिए हैं। तो मैं अपनी फैमिली से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जहाँ जुपिटर रखा हूँ वहाँ पर आप लोग नाराज़ मत होइएगा, मैं वहाँ से हटा दूंगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मुझे ना ही स्वाप करना है और ना ही मुझे किसी को कंपटीशन करना है, क्योंकि एक बात सीधी बात मैं बता दूँ, आप मेरे एक गुड फैमिली हैं सोशल मीडिया का। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपका 9:25 होने वाला है। ये जगह देख रहे हैं खाली हो चुका है, ये कवर यहाँ पे पड़ा है और ये जगह देखिए खाली हो चुका है। अब तो अपना कूलर है और अपना वैनम यहाँ पे है, तो कुछ आने वाला है। अगर जगह खाली है तो आपको पता चल गया होगा, मैं बोला था ना कि बाइक बुक किया हूँ। और क्या आने वाला है, बाइक आने वाला है, कौन सी बाइक आने वाला है, शायद मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक तो मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो मिडिल क्लास अलग बात है। अगर आपके घर पे साइकिल है तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, क्योंकि आपके पास साइकिल आ चुका है और आपके पास बाइक आ चुका है। तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खुद सारा पैसा कमाइए। चैनल मिस्टर निकिला सब्सक्राइब करिएगा, प्लेट अपना जल्दी आएगा। प्लेट नंबर है UP 53EH 141, ये मैं जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्रांड है, मैं इसी से नाम से जाना जाता हूँ। क्योंकि कोई भी कांड होगा तो ये प्लेट नंबर ही हमको बचाएगा, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो जुपिटर खड़ी थी वो अब नहीं है, और प्लाट पे घर बन जाएगा तो वहाँ पे तो रखेंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ जुपिटर रखे हैं वहाँ पे आप लोग मत करिए, हम कुछ दिन में इसको हटा देंगे। तो अभी जो बाइक आने वाला है यहीं पे खड़ी होगी, जगह बन चुका है और वो यहाँ पे खड़ा होगा, वैन तो यहीं खड़ा होगा, लेकिन जब उसको निकालेंगे तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास जगह नहीं है, बस यही पार्किंग है मेरा, मैं जो भी दिखाऊंगा रियल दिखाऊंगा। और जब प्लाट पे घर बन जाएगा तो वहाँ पे सारा पार्किंग उतना बड़ा है, तो ऑलरेडी मेरे को पार्किंग भी चाहिए, बाकी फ्लोर तो बन ही जाएगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो कोशिश है वही नहीं, वो लेने के बाद भी आगे बाइक लेते रहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बेचेंगे। साइकिल भी है, जुपिटर भी, हीरो स्प्लेंडर भी है, वो भी बाइक रहेगा, फिर भी बाइक लेंगे, तो सब कुछ लेते चलेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे। बस क्या है कि आप लोग सपोर्ट देते रहिए, और ये यूट्यूब के पैसे नहीं, अपनी मेहनत की कमाई है। हम यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं गए हैं, एक गुड फैमिली सोशल मीडिया बनाने गए हैं कि अगर हम अपनी बातें पहुंचाना चाहें आप लोग तक तो पहुंच सकें। तो यूट्यूब फैमिली है, सोशल मीडिया है, वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन हम जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का, उसी पैसे से हम सब कुछ कमा के खरीद रहे हैं। और यूट्यूब से भी जो पैसा आएगा वो गरीबों में और ऐसे ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा, और वो दिखाएंगे। यूट्यूब के पैसा हम ऐसे जगह पर खर्च करेंगे जो आप दिखाएंगे। और रही बाइक की बात, तो उतना तो हम कमा लेते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट पैर देते रहिए और हेलमेट पहन के बाइक चलाइए। आपको पता है कि देखिए हेलमेट जो है बाइक से मैचिंग करता है, और मैं हेलमेट पहन के बाइक चलाता हूँ, और मेरा स्पीड ज़्यादा 50-60 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जगह 70 की स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्ले बटन जल्दी आएगा, खुद थोड़ा प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अब जगह खाली हो चुका है तो आने वाले ही है, देखिए जैसे ही मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या है वेटिंग में, जगह बन चुका है, बस आने वाला है, जल्दी आएगा। जय श्री राम। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में लोग नशा करते हैं, सूखा नशा करते हैं, बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, और रात रात बाहर रहते हैं। हम जो पैसे कमाते हैं वो बाइक पे खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, यूट्यूब पे खर्च करते हैं, कैमरे में खर्च करते हैं, फ्यूल में खर्च करते हैं, और जो राइड करते हैं उसमें खर्च करते हैं। और मैं कोई नशा नहीं करता, क्योंकि हमारा मानना है कि एक जीवन मिला है उसको अच्छे से जी लें, और अपने जो यादें हैं कहीं सोशल मीडिया पर हो, और मेरे ना रहने पर भी लोग उसको देखें, और हैं तो देख ही रहे हैं। तो कहीं मैं अपने लाइफ में ना बस जीना चाहता हूँ यार, क्योंकि जानते हैं कोई किसी का नहीं है। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो गुड ब्रदर गुड सन हो, नहीं तो नहीं हो। पैसे कमा के घर में दोगे तो अच्छे हो, नहीं दोगे तो नहीं अच्छे हो, मैं एक बता रहा हूँ। और मेरा मानना है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि सब कुछ छोड़ दो, आप पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, कमाते हो तो अच्छे से कमाओ, और कुछ पैसे बचा कर घूमने निकल जाओ। दोस्त यार की ज़रूरत नहीं यार, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बाइक उठाओ और ATM रहे, पर्स में कुछ पैसे हों, ज़्यादा नहीं, कैश लेके हमेशा 5,000 चला जाता है, बाकी सब ATM से UPI से हो जाता है। बाइक उठाओ, राइड पे निकल जाओ, माइंड फ्रेश हो जाओ, फिर आओ, फिर ऑफिस जाने लगो। तो भाई यही कहेंगे, आराम से पैसे कमाओ, घूमते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त चलो ये चलो चलो, किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट ले लो, फ़ोन ले लो, नहीं यूट्यूब पे डालना है, नहीं इंस्टाग्राम पे डालना है, तो अपने फ़ोन में रखना, अपने हार्ड डिस्क में रखना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं जो पैसे कमाता हूँ बाइक पे, फ्यूल पे खर्च होता है जो राइड करते हैं, बाकी यूट्यूब सामान जब कितना महंगा महंगा है, डिजिटल और कैमरे भी तो जानते हैं कितनी महंगी महंगी लेंस आती है, तो मेरा सारा इसी पे सब जाता है। और मैं अब जो भी राइड करूँगा अकेले राइड करूँगा, थोड़ा सा साथ में फ्रेंड लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, 4-5 लोग रहते हैं वो भी अच्छा लगता है, एक जाता है वो भी हले। लेकिन क्या है ना कि दूसरों को अपने जाने में क्या दिक्कत है ना, अगर उसको कुछ भी होता है ना
भाई कुछ ना हो, मैं यही बताऊंगा, कुछ भी ना हो, अगर कुछ भी होता ना तो वो नहीं बोलेगा ना ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आज तक का। आपका मित्र को अगर आपके साथ आप जा रहे राइड पे, अपने मित्र को बोले चलो राइड पे चलना है, उसको थोड़ा सा चोट भी लग गया ना, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपका मित्र। लेकिन उसका मित्र की जो फैमिली है वो आपको बहुत सुना देगी, आपकी फैमिली को भी सुना देगी कि आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर गया था, ये चोट लग गया, वो चोट लग गया, ये हो गया होगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है। आपका दोस्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, चाहे उसके कुछ भी हो जाए उसके, लेकिन उसकी जो फैमिली है भाई आपका जीना हराम कर देगी। तो वही है कि लोग कहते हैं यार दूसरे लड़के में, मैं खुद का एक्सपीरियंस है, आपका मित्र को अगर चोट भी लग जाएगा वो कुछ नहीं बोलेगा, दर्द होगा वो भी नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी फैमिली जो है आपका जीना हराम कर देगी। तो इसलिए कहते हैं दोस्त के भी दोस्त होते हैं, और दोस्त सारे अच्छे होते हैं, डिफेंड आप करता है कि आप दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। भाई हमारे सारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन हम भी ऐसे जगह पर ले जाते हैं जहाँ वो आराम से कंफर्टेबल हो, उसको कुछ ना हो, लेकिन हर जगह नहीं ले जाते हैं, क्योंकि भाई आपका दोस्त आपको भले नहीं बोलेगा लेकिन दोस्त की फैमिली आपको अच्छे से पेल देगी। तो पैसे कमाते रहिए, घूमते जाते रहिए, और अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट होके आए। तो बस धीरे धीरे, हाँ मैं कुछ नहीं बेचूंगा, साइकिल भी है, जुपिटर भी है, और बाइक भी है, और जुपिटर ऐसे जगह पर रखें जो फैमिली को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन मैं खुद का इस रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जल्दी वहाँ से हटा दूंगा, जब कहीं हम सेटल होंगे या शिफ्ट होंगे तो वहाँ से शिफ्ट कर देंगे बाइक को, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यार बाइक रखने के लिए। और आप देखिए जब बाइक रखने की जगह नहीं है तो फिर कार लेके कहाँ रखेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका कोई भी व्हीकल हो, कार हो, बाइक हो, तो अपनी संपत्ति पे रखें, और उसकी जगह हो तो अभी खरीदें, तो अभी जगह बन गया है बाइक का दूसरा जो ले रहे हैं इसलिए वहाँ पे रखेंगे। जब कार की जगह हो जाएगी पार्किंग तो कार भी खरीद लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके पास पार्किंग है तभी कार खरीदिए, और अगर कार खरीद रहे हैं पार्किंग नहीं है तो कम्प्लेक्स होता है, मॉल होता है, वहाँ पे जाके बात करके आप रख सकते हैं, वहाँ पे रेंट 3,000, 4,000, 5,000 महीना देना पड़ता है। तो भाई उतना मेरे पास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम महीना 5,000 खाली पार्किंग करें। तो सारा बहुत जानकारी, लेकिन तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे डिसीजन से अगर आपको अच्छा लगता है तो मोटिवेट करिएगा हमको भी, और मुझे गाइड करिएगा, हमको भी कुछ जानकारी नहीं रहता है, सोशल मीडिया से, बुक से, खुद का एक्सपीरियंस से, राइड से, फील्ड वर्क से, सब कुछ सीखते रहते हैं। तो यूट्यूब पर है अपनी बातें आप तक पहुँचाते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताते रहिएगा। बाकी जो बाइक ले रहे हैं अच्छी बाइक है और महंगी है, चलता है यार, महंगी कुछ नहीं है, बस अगर आप महीने का 5,00,000, 10,00,000 कमाते हैं तो फिर आपके लिए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि महीने का 1 करोड़ कमाइए, वर्ड जो है बड़ा लेकिन हमारे लिए छोटा है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। जय वंदे मातरम।